तो ये है माइनक्राफ्ट की एक छोटी सी दुनिया, जिसमें है एक छोटा सा घर और इस छोटे से घर के मालिक है ये महाशय कैरी टिपाए। इनको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इनकी जिंदगी में जब तक कोई मुसीबत नहीं आती है ना, इनका दिन पूरा ही नहीं होता। तो देखते हैं आज इनकी जिंदगी में क्या मुसीबत आई है। कैरी बाहर निकल, लौकर बाहर है। अरे ये सुबह कौन हल्ला कर रहा है भाई मेरे घर के बाहर, कौन आ गए? जल्दी आ जा। अरे ये तो सोसाइटी वाले, इनको क्या हो गया अब यार? बोलो बेटे भाई क्या हो गया? मैं हूँ इस सोसाइटी का एक नया सेक्रेटरी, आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे मालूम है यार, आगे बढ़ो, उसके आगे बढ़ती नहीं तुम यार। बोलो ना क्या हो गया, सुबह सुबह हल्ला क्यों कर रहे हो मेरे घर के बाहर खड़े होके? मेरे को सोसाइटी से कंप्लेंट आई है कि तुम्हारे घर के वजह से हमारे सोसाइटी का पूरा नाम खराब हो रहा है। क्यों, मेरे घर ने ऐसा क्या परेशान कर दिया आपको? पूरे सोसाइटी में तुम्हारा ही घर बेकार लगता है। सोसाइटी में सारों ने अच्छे से घर रिनोवेट किया है, दूसरी ओर तेरा घर एकदम भंगर पड़ा है। अरे तो बेटे भाई ऐसी कौन सी तकलीफ हो गई है? मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैंने रिनोवेट नहीं करवाया है, और वैसे भी ये कोई बात नहीं हुई यार। देखो गैरी, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिनों का समय है, या तो ये घर को रिनोवेट कर लो, नहीं तो इस सोसाइटी के बाहर निकल जाओ। चलो मैं इससे ज्यादा तो और बोलूंगा नहीं, चलो सोसाइटी वालों। यार गए जी बेटे भाई, सुबह सुबह क्या टेंशन दे गए मुझे, फिर से एक नई मुसीबत आ गई। लगता अपने को घर रेनोवेट करवानी पड़ेगा। मुझे लगा था कि एटलीस्ट मेरा आज का दिन तो अच्छा जाएगा, लेकिन नहीं यार, फिर से वही मुसीबत आ गई मेरे पे। लगता अब इस घर को रेनोवेट करवाने का टाइम आ चुका है, दया करवानी पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं अपने पास। यार गए साहब आप ही बताओ, मुझे रेनोवेशन करवाना चाहिए या फिर नहीं? एक सेकेंड, ही किसका कॉल आ रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, मैं बाबू चिपके बोल रहा हूँ, सुना था आपके घर का रेनोवेशन करना है। अरे तो भैया मैंने आपको कॉल तो करा ही नहीं रेनोवेशन के लिए, आपको मालूम किसे पड़ गया? कॉल नहीं किया तो क्या हुआ, रेनोवेशन तो करना है ना आपको। भाई तू क्या बाहर खड़ा था क्या घर के मेरे? हमारा काम ही ऐसा है, जहाँ लोगों को रिनोवेशन की जरूरत पड़ती है वहाँ हम लोग पट से जाते हैं। चलिए सर आपका घर देख लेते हैं और कोटेशन बना लेते हैं। अरे अरे रुको भाई, मेरी बात तो सुनो भाई, ये क्या हो रहा है, ये एकदम से कहाँ से आ गए बंदा? अरे सर आप टेंशन मत लो, बाबू चिपके आपको A1 काम करके देगा। हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन बात तो सुनो। अरे मेरे ख्याल से ना ये लकड़ियाँ बहुत पुरानी है, इनको ना बदलना पड़ेगा। पुरानी होगी भाई, 2 साल पुराना घर है, क्या बात कर रहे हो तुम भी? अरे सर बोला ना आपको, बहुत पुराना आपका घर है, सब बदलना पड़ेगा। ये क्या है, ये किचन है क्या? हाँ हाँ किचन है मेरा, देखो कितना बढ़िया है ना। सर ये क्या किचन खुले में रखा है आपने, और यहाँ पे भी देखो सारी चीजें पुरानी पड़ी है। छी क्या बोलते हो बाबू चिपके, ये देखो सब A1 माल लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ रेनोवेट करवाने की जरूरत है हमको। अरे काय का A1 माल, एक हाथ मारा तो सार टूट गया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे क्या कर रहे हो, सब A1 माल है यार ऐसा? अरे अरे भाई तोड़, अरे मत तोड़ो भाई, पूरा मेड इन चाइना माल है। छी अरे यार ये बाबू चिपके क्या कर रहे हैं, मेरा पूरा किचन ही तोड़ दिया पागल ने। पूरे घर का इंटीरियर तो बदलना पड़ेगा सर, घर इंटीरियर के नाम पे तो क्या टीवी और सोफा रखा है, वो भी नकली है, सब बदलना पड़ेगा। अरे तो भाई आदमी के पास पैसा हो तो वो मतलब पैसा लगा के फर्नीचर खरीदे, पैसा ही नहीं तो क्या करे वो? और तुमने क्या करा, मेरा पूरा किचन तोड़ दिया यार, इतनी मेहनत से बनाया था। क्या फायदा, कमजोर होने से अच्छा हो ही ना हो। भाई बाबू चिपके यार मैं रेडी नहीं हूँ रेनोवेशन के लिए। सर एकदम मस्त काम करके दूंगा आपको। यार आप बात तो ऐसी करोगे, फ्री में करके दे दोगे मुझे सब कुछ? हाँ सर कर दी ना छोटी बात। अरे सर अभी के जमाने में तो फ्री में टॉयलेट भी नहीं जाने देते। अरे सर वैसे ये क्या है? सर ये मेरा तबेला है, पर्सनल तबेला। कैसा है सर, बढ़िया है ना? अरे दादा घर में तबेला कौन रखता है, हटाना पड़ेगा इसको सब। अरे तो फिर मेरे जानवर कहाँ जाएंगे? सर क्या टेंशन लेते हो आप, जानवर का हम लोग बंदोबस्त कर देंगे एकदम। सर वैसे ये क्या है, आगे क्या वोटिंग वीटिंग होती है क्या? तो लगता है ना आप आगे घर बनाना भूल गए शायद। अरे बाबू चिपके भैया मैं भूला नहीं हूँ, यहाँ पर मैंने जान मुझके इसको ऐसा खुला छोड़ रखा है ताकि मैं यहाँ से डायरेक्ट डुबके लगा के इधर नहा लूँ, और कभी कभी मुझे प्रेशर आता ना तो भी मैं यहीं चले जाता हूँ, है ना मस्त आइडिया। अरे भाई साहब आपके घर में संडास वगैरह है कि नहीं? अरे भैया जरूरत नहीं पड़ी, काय के लिए सर पैसा खर्च करें? अरे सर आप ना बहुत चिंदे आदमी हो, के घर में संडास भी नहीं है, सब काम करना पड़ेगा, बहुत काम है सर। ये क्या इधर खेती वगैरह चालू है क्या? जी जी भैया यहाँ पर हम खेती करवाते हैं। क्या भाई घर में ही सब खेती वगैरह चालू कर दिया क्या? अरे सर हमारे वहाँ ऐसा ही होता है। और ये क्या बेड क्यों रखा है खेती में? अच्छा ये ना ये हमारे यहाँ पर बाहर का नौकर सोता रात में इधर। अरे बाप रे नौकरों को बाहर सुलाते हो, सी 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 वेरी शेमफुल। देख भाई तेरे को ना मस्त एक कमरा बना के देता हूँ सोने के लिए। अरे क्या जरूरत है, नौकरी तो है। और यार प्लीज यार तू मेरा खर्चा मत बढ़ाओ ऐसे, फिर मेरा ऐसा खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। ए भाई ये नौकर ने, ये भी एक इंसान ही है समझा ना। गई भाई मेरी पूरी सेविंग गई भाई, लगता पूरा पैसा रेनोवेशन में लग जाएगा। अरे भाई साहब ऊपर भी एक फ्लोर है क्या? जी भाई साहब सेकंड फ्लोर बना रखा हमने इधर। क्या बोलते बाबू चिपके, ये फ्लोर बढ़िया है ना, यहाँ पर शायद मुझे लगता है कोई भी चेंजेस करवाने की जरूरत नहीं है।
अरे सर, इधर तो बहुत काम है, बहुत पैसा जाएगा। लगता है अच्छा खासा मुझे चुना लगा के रहेगा। अरे बाबू चिपके बात सुनो, यहाँ पर रेनोवेशन की जरूरत नहीं है। सर देखो, ये रेनोवेशन का काम है ना हमारा है, हम डिसाइड करेंगे कैसा करना है या क्या, आप टेंशन फ्री रहो। अरे मरेला लाश कौन है, इसको भी बदल देते चलो। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे बाबूजी को बदलने की बात कर रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या? वैसे बाबूजी भी बहुत पुराने हो गए, वो भी बदल देते, बोर हो गए होगे ना उनको देख देख के आप। अरे गाइस मुझे लगता है ये दिमाग से सटक गया ये बाबू चिपके, क्या बात कर रहा है, बाबूजी को बदल दो भाई, ऐसा होता है क्या? वैसे ना बाबूजी का पैसा बहुत मस्त मिलेगा, बेच दोगे क्या उसको? अरे ओ भाई साहब घर देखने में ध्यान दो ना यार, क्या मेरे बाबूजी के पीछे पड़ गए? अरे सर मैं तो आपको मस्त ऑफर दे रहा था। अरे ये क्या है? कमरा है सर, मेरा कमरा है। अरे अरे चूहे चूहे बचाओ मेरे को बचाओ, अरे चूहे चूहे। सर मेरा पेट एनिमल से क्या कर रहा आप, सर को पालता हूँ मैं। अरे भाई तू पागल विगल हो गया क्या, तू जानवर है क्या, ये इधर क्या रूम में चूहे पाल के रखा है? अरे सर ढंग से तो देख लो सर, क्या कर रहे हो भाई? मेरे को नहीं देखना है भाई, चूहे पालता है तू, हट। अरे इसको क्या हो गया बाबू चिपके को, लगता है सदमा लग गया इसको। ओ बाबू ढंग से तो देख लो भैया, घर मेरा पूरा जब देख ही रहे हो तो। ओ भाई पहली बात मेरे को मत सिखाओ मेरे काम के बारे में, समझे ना, और दूसरी बात मेरा नाम है बाबू चिपके, एंड मेरे को ना बाबू सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड ही बुलाती है। अरे सर सॉरी सर, आप तो दिल पे ले लिए, बाहर मिल तेरे को दिखाता हूँ बराबर। ठीक है सर समझ गया, बाबू मेरा मतलब है कि बाबू चिपके ही बुलाऊंगा आपको। आप तो ये बताओ कि आगे क्या करना है मुझे? अरे हम पे छोड़ दो कैरी बाबू, पूरे बंदे आएंगे और तुम्हारा घर पूरा लूट जाएंगे। अरे मेरा मतलब सर, हमारे बंदे आएंगे पूरा घर खाली करेंगे और हम लोग रेनोवेशन का काम जल्दी जल्दी पटपट कर सके, इसके लिए सर। अच्छा तो फिर ऐसा बोलो ना मेरा भाई। अरे सर सब कुछ हो जाएगा, बस एडवांस में ना 20,000 रुपए दो। 20,000 रुपए, कुछ कम वम नहीं होगा क्या? नहीं नहीं सर, एकदम फिक्स रेट है, होलसेल के भाव में दे रहा हूँ आप। रुक जाओ मैं अपने बाबूजी से पूछ के आता हूँ। ए क्या सर, इतने बड़े हो गए पप्पा से पूछ रहे? छी बाबूजी, घर का रेनोवेशन करवाने क्या? अरे लाले जा, लाले जा। यार ये बाबूजी से तो पूछ के कोई फायदा नहीं है यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करवाऊँ। अरे ये सर ये देखो क्या चूहे कर रहे, अश्लील हरकतें कर रहे, क्या चल रहा है? अरे आपके बाबूजी भी एंजॉय कर रहे हैं इसको। ओ छी, ये तो यहाँ पर चुमचाटी कर रहे हैं आपस में चूहे। यार कर ही दो आप तो रेनोवेशन, कर ही दो भाई, मुझे नहीं चाहिए ये सब हरकतें मेरे घर में, आप कर दो। मैं आपको अभी 20,000 रुपए कर देता हूँ। पेटीएम पे 20,000 रुपए प्राप्त हुए। ओके कैरी बाबू, पैसा तो मिल गया, हमारे अभी बंदे लोग आएंगे और आपका काम पूरा कर देंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है बाबू चिपके भैया, चलो जाइए आप बढ़िया, और हमारा घर एकदम हाँ सब आपको जो लगे सब कर देना, बस थोड़ा बजट में काम हो जाए अपना, बस अपन तो यही चाहते हैं। अरे बजट बजट का छोड़ो रे, घर देखो आपका कैसा मस्त बना के देता हूँ। चलो ठीक है गाइस, अपना काम हो गया, अब बस मैं देखना चाहता हूँ कि अपना घर रेनोवेशन के बाद कैसा लगेगा, लगेगा इसी झकास यार। आप बस गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे इस घर में और क्या क्या नई चीजें ऐड करना चाहिए, वो सब मैं ऐड कर दूंगा। यार ये बाबू चिपके की बिल्डर्स कब आएंगे? चलो 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 अंदर आओ सब, चलो सब सामान उठाओ सामान। हाँ अरे साहब ये क्या रे, क्या कर रहे हम लोग इधर तोड़म ताड़ी? टाइम पास नहीं करने का पट पट करने का, क्या क्या और भी काम है, पूरा घर रेनोवेट करने का अभी। भाई साहब इधर तो बहुत भर भर के माल है, चलो चलो ये फ्रिज भी उठा लेते। हाँ ये चलो ये पट पट उठाओ, किताब भी उठाओ और वो उसको भी उठाओ, टेबल भी उठाओ, एक भी चीज बचना नहीं चाहिए घर में, पूरा क्लीन मांगता एकदम एकदम नीट एंड क्लीन। चलो भाई यहाँ का तो फ्लोर साफ हो गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। ए चलो चलो अभी दूसरे रूम में चलते हैं, चलो ये बेड बर्तन को भी लेके चलो, बहुत गंदगी मचा के रखी है यहाँ पे इन्होंने। चलो चलो भाई चलो, इनको धक्का मारो, निकल नहीं रही है सही, चलो चलो धक्का मार लो। चलो चलो कैरी भाई, आपका सारा घर ना एकदम क्लीन हो गया है, अभी अपन काम शुरू करने वाले, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, एक नंबर रातचिक काम होके मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। हाँ और एक चीज, अरे बाबू चिपके है ना फूल ऐसा ठुकट्टे लगा के मस्त काम करके देंगे, टेंशन नहीं लेने का, बाबू चिपके है ना सब एकदम मस्त। यार गाइस ये तो अपने पूरा का पूरा घर खाली कर गए, कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने तो। यार शायद रेनोवेशन से पहले ये लोग ऐसे ही करते होंगे, चलो क्या टेंशन लेना, अब देखते हैं कल क्या होता है। The next day, बाप रे बाप क्या हालत कर दी वो बाबू चिपके के बिल्डर्स ने, पूरा का पूरा घर तोड़ फोड़ दिया भाई। यार पता नहीं वो कैसे रेनोवेट कर रहा है मेरा घर, वो तो यार वक्त ही बताएगा, अभी अपन इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ये घर के रेनोवेशन के चक्कर में गाइस देखो मुझे यहाँ बाहर रहना पड़ रहा है, देखो मैंने इधर ही तंबू गाड़ के रहना चालू कर दिया, बेचारे मेरे बाबूजी भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बाबूजी आप टेंशन मत लो, बस कुछ दिन की बात है। अरे अरे मान क्यों रहे हो यार, मैंने देखो आपके लिए यहाँ पर कितना मस्त बंदोबस्त कर दिया है, ये देखो गाइस मेरे बाबूजी के लिए यहाँ पर एक मस्त वैन भी मंगवा ली है,
बस इसका गेट खोलो और यहाँ पर आराम से अंदर बैठ जाओ। देखो कितना मस्त है ये। देखो गाइस बाबूजी के लिए सब चीजें करना पड़ती है, उम्र में थोड़े से बुड्ढे है ना तो इसलिए इनको तकलीफ होती है। देख लो बाबूजी अगर बैठना है तो बैठ जाओ अंदर, कर लो आराम। बैठ गए, मजा आ रहा है। चलो ठीक है आपको तो बहुत मजे हैं, चलो ठीक है इनको तो अपन इनके हाल पे छोड़ देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार बाबू चिपके किधर रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं, 8 बज चुकी है। एक सेकंड उसको मैं कॉल करके देखता हूँ यार कहाँ रह गया वो। यार गाइज ये बाबू चिपके अपना कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, क्या हो गया एकदम से। यार इसके भी अलग नखरे हैं, पूरा घर तोड़ फोड़ के चले गए और देखो इतना लेट कर दिया आने में। अगर ये स्पीड से काम चलता रहा ना तो अपना घर रेनोवेट होने से रहा। यार दोस्तों शाम होने को आई है और अभी तक बाबू चिपके के आते पते नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ रह गया वो, कब आएगा यार। शिट रात होने में आ गई अब तो। यार मैं क्या करूं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कॉल भी नहीं उठा रहा है, आ भी नहीं रहा है, उसका एक भी बिल्डर नहीं आया। अरे बाबूजी क्या कर रहे हो आप, आग में मत जाओ, पागल वगैरह हुए कि जल जाओगे तुम्हारी चड्डी। किधर रह गया ये बाबू चिपके, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। देखो इस बाबू चिपके के बारे में आपको कुछ मालूम तो पड़ नहीं रहा है, तो अपन एक काम करते हैं चलते हैं अब्दुल की टपरी पर, वहाँ पर सब सोसाइटी वाले हो गए तो हो सकता है अपने को वहाँ पर ना बाबू चिपके के बारे में कुछ मालूम पड़ जाए। चलो भाई मैं पहुंच गया अब्दुल के टपरी, अब गाइस हो सकता है मुझे यहाँ पर कुछ तो मालूम पड़ जाए। और मंडली क्या हालचाल, सब बढ़िया? हाँ भाई बढ़िया, तुम कैसे हो? चल भाई अब्दुल फटाफट से एक ठंडा सोडा लगाते, बहुत माथा गर्म हो रहा है। चलो भाई जब तक सोडा बनता है बैठते इधर। क्या कैरी क्या हालचाल, मेरे को तो लगता है आपके घर का रिनोवेशन कम्प्लीट होता होगा, पता है ना 5 दिन बाकी है। यार नहीं बेड़े भाई मैं क्या बताऊँ, वो बाबू चिपके नाम का कोई रेनोवेटर आया था, उसने पूरे घर में तोड़ाफोड़ी मचा दी और अब मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं कब कंप्लीट करेगा वो। देखो भाई वो तुम्हारी गलती है, कुछ भी करके ना 5 दिन में घर रेनोवेट चाहिए, ये तो सोसाइटी से बाहर ही निकल जाओ। अरे बेटे भाई मेरी गलती थोड़ी ना है, आपने तो भेजा उस बाबू चिपके को, ऐसा खराब रेनोवेटर भेजा है वो, उतना टाइम लगा रहा है, मेरी क्या गलती उसमें? अब कौन बोला हमने भेजा है, पागल निकल हो गया क्या? अरे आपने नहीं भेजा क्या? अरे हाँ और एक बात, ऐसा तो बनता ही नहीं कोई मार्केट में। क्या बोल रहे हो बेटे भाई, मजाक तो नहीं करो, सही बोल रहे हो ना? अरे देखो कैरी भाई कोई भी हमारे को बहाना नहीं चाहिए, समझा ना, 5 दिन में घर मेरे को रेडी चाहिए बस। यार गाइस मुझे यहाँ पर क्या मालूम पड़ रहा है, बेड़े भाई क्या बोल रहे हैं, बाबू चिपके नाम का कोई बंदा ही नहीं है। बेड़े भाई की बात सुनकर तो मुझे ये लग रहा है यार वो बाबू चिपके ने चूना लगा दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो देखो बाबू जी भी रो रहे हैं, यार बाबू जी मत रो, आपको देख के मुझे और रोना आ रहा है। अरे मारो मत यार बाबू जी, सही बता रहा हूँ गाइस मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो बाबू चिपके ने मेरे बाबूजी की आंखों में आंसू ला दिए, मैं साले को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ यार, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है और नहीं मुझे मालूम है किधर है वो। अरे एक सेकंड बाबूजी कहाँ चले गए, अभी यहीं तो खड़े होकर रो रहे थे। अरे ये तो अंदर बैठ गए आके, अरे इनकी तो पार्टी चल रही है, बाबूजी पार्टी कर रहे हो आप तो? बाबूजी अभी एक सेकंड पहले आप तो रो रहे थे और अभी आप पार्टी करने लग गए। यार छोड़ो इनका तो कुछ नहीं कर सकते, लगता है इनका मानसिक संतुलन हिल गया भाई, मैं क्या करूं मेरे को कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, अब लगता है कि जब जिंदगी भर यहीं रहना पड़ेगा। यार दोस्तों मुझे अपने घर का कुछ तो करना पड़ेगा, मैं किसी चोमू की वजह से अपने घर को ऐसा बर्बाद होने नहीं दे सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ तो होगा यार। कैरी अपने दिमाग पे जोर डाल, क्या कर सकता है तू? अरे एक चीज मैं कर सकता हूँ, मेरा एक दोस्त है, चल के गाइस अपन उसकी मदद मांगते हैं, वो अपनी मदद जरूर करेगा। दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा शायद मैं अभी तारक भाई के पास जाने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अभी जिसके पास जाने वाला हूँ ना वो 100% मेरी मदद करेगा, तो ठीक है चलते हैं फिर उसके पास ही। मैक्स मैक्स किधर हो तुम यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या हुआ तुमको? अरे मैक्स पहले पानी से तो बाहर आओ, क्या तुम हमेशा पानी में पड़े रहते हो? वो जब शिप देखने गए थे वहाँ भी तुम पानी में पड़े हुए थे, तुम्हें क्या पानी इतना क्यों पसंद है? मुझे पानी बहुत पसंद है, ये देख रहे हो ये शिप भी उसके वजह से लगा है। अरे यार जल्दी से पानी से बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बता रहे हो कैरी? अरे मैक्स मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। तुम्हारे साथ स्कैम हो चुका है? अरे तुम हंस रहे हो, अपने दोस्त का मजाक उड़ा रहे हो, दूसरों को स्कैम करने वाला बंदा खुद कैसे स्कैम हो गया? यार गाइस ये तो अपनी धोती खोल रहा है। क्या बोल रहे हो? क्या हुआ था कि सोसाइटी वालों ने मुझे बोला था घर रेनोवेट करवाने के लिए, क्योंकि मेरा घर बहुत पुराना हो चुका है, तुम तो जानती ही हो। ओके फिर उसके बाद एक बंदा आया मेरा घर रेनोवेट करने के लिए, जिसको मैंने बुलाया भी नहीं था, उसका नाम था बाबू चिपके, तो असल में ना वो बाबू चिपके मुझे चिपका के चले गया। अरे क्या कह रही है, चिपका चिपके क्या लगा रखा है, सही से बता ना। अरे यार मैक्स तुम समझ नहीं रहे हो यार, तुम अभी तक नहीं समझे, तुम बहुत भोले हो। तो देखो वो जो आया था ना बाबू चिपके, उसने ना मेरे से रेनोवेशन का नाम पे ना 20,000 रुपए ले लिए और मेरा घर थोड़ फोड़ के चले गया और अब आ भी नहीं रहा, 10 दिन हो चुके हैं। वैसे अभी तुमको क्या पैसे चाहिए? ये लो पैसे दो। अरे पैसे नहीं चाहिए यार मैक्स, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरे पास अब रहने के लिए घर भी नहीं है, मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे उसको पकड़ना है। ओके कैरी एक सोल्यूशन बताता हूँ,
तुम ना फुटपाथ पे जाके सो जाओ। अरे यार तुम मैक्स मजाक करो, मैं जा रहा हूँ यार, मेरे को आना ही नहीं थे इधर। बताओ बताओ क्या हेल्प चाहिए तुमको? मेरे को उसको पकड़ना है, तुम कुछ तो आइडिया लगाओ। वेट, क्या है? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या मैक्स? चलो तुम्हें वापस चल के बता रहा हूँ। यार मैक्स ये तुम मुझे कहाँ लेके आ गए? ये देखो क्या, ये मेरे पुराने बंगलो में से एक है। ये पुरानी प्रॉपर्टी 10 सालों से ऐसे पड़ी है। अरे मैक्स तो पिछले वाला घर क्या था फिर वो? अरे क्या बोलूं कैरी, इसे सैकड़ों घर खरीद के छोड़ दिए। क्या बोलूं, पैसा इतना है। यार मैक्स मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे पास इतना पैसा है। अरे बहुत पैसा है कैरी। तो मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे यहाँ पर लेके क्यों आए वैसे? अरे मैं सोच रहा हूँ कि ये पुराने घर को यूज कर लेते, अपने ही काम आ जाएगा। तो मतलब ये अपने प्लान का हिस्सा है? यस। तो ठीक है, जल्दी से मुझे प्लान बताओ फिर यार, इतना टाइम पास मत करो। चलो अंदर चल के डिस्कस करते हैं। यार मैक्स ये घर तो अंदर से बहुत ही सही है यार। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अपन लोग अभी मेन मुद्दे पे आ गए। तो अभी प्लान ऐसा है कि हम लोग उसे इस घर में बुलाएंगे रेनोवेशन के लिए, और जैसे वो आएगा उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन ये घर तो ऑलरेडी रेनोवेटेड है यार, इसको क्या जरूरत? अरे वो बहुत लालची आदमी है, उसे पैसा चाहिए बस, वो जरूर आएगा। हाँ मिक्स तुम सही बोल रहे हो, आ जाएगा क्योंकि वो बहुत पैसे का लालची आदमी है। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ, उसके साथ साथ में उसकी पूरी टीम को पकड़ूं। तो उस चीज के लिए ना मैंने एक आइडिया सोचा है। क्या हो गया बताओ? देखो जब वो यहाँ पर आएगा और काम निपटा के जाएगा ना, तो अपन उसको पीछा करेंगे, क्या बोलते हो? और फिर देखो वो अपने अड्डे पे जाएगा तो वहाँ पर उसको अपन रंगे हाथ पकड़ लेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? बात तो सही है। तो ठीक है फिर, लेकिन उसको अपन बुलाए कैसे? तो ये देखो, इसके लिए भी मेरे पास एक खतरनाक प्लान है। अपन लोग ना रिनोवेशन की न्यूज पूरे न्यूज पेपर पे छपवा देंगे, फ्रंट पेज पे। अरे हाँ, जिससे कि वो बाबू चुपके अट्रैक्ट होके आ ही जाए और उसे हम लोग अपनी जान में फंसा लेंगे। सही यार प्लान ये तो यार मैक्स। तो ठीक है फिर कर दो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना यार। अरे क्यों नहीं कह रही, तुम्हारे लिए कुछ भी। तो फिर गाइस मैक्स और मैंने मिलकर जितने भी न्यूज़पेपर थे उन सब में रेनोवेशन के ऐड दे दिए, और फिर उसके बाद रेनोवेशन के लिए काफ़ी सारे बंदे आए, लेकिन साथ में आया बाबू चिपके। तो मैक्स क्या खबर है बाबू चिपके की फिर? अरे कह रही, बाबू चिपके से मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, अब बस उनके आने का इंतजार है। यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया, सही है फिर। वेट वेट वेट, कह रही क्या हुआ? अरे एक बात है कि अगर तुम उनके सामने ऐसे ही जाओगे तो तुम पकड़े जाओगे। हाँ तो भाई मैं छुप जाऊंगा फिर, मुझे वैसे भी उसके सामने थोड़ी ना आना है। अरे नहीं यार, मुझे अकेले बात करने में डर लगता है, पता चले मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया। यार मैक्स तुम यार ऐसे तो गड़बड़ कर रहे हो फिर यार, तुम्हें पहले बोलना था, मैं इसका कुछ प्लान करता फिर, अब क्या करें? वेट एक काम कर सकते, क्या तुम मेकओवर कर लो, अपना पूरा भेद बदल डालो। ठीक है मैक्स, ये भी सही आइडिया है। ओके तो फिर मैं अमेरिका से एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाता हूँ। जल्दी बुलाओ, कभी भी बाबू चिपके आ सकता है फिर। देन उसके बाद गाइस मैक्स ने एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया, और उसने फिर मेरा ऐसा मेकओवर करा कि वो मेकओवर देख के मुझे झटका लग गया। मैक्स सर देखो मैंने इनका मेकओवर कर दिया है, कैसे लग रही है? ओह वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वेल। अरे ऐसा कैसा मेकअप कर दिया भाई, मैं क्या बहुत सुंदर दिख रहा हूँ? अरे कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रहे हो तुम तो। एक काम करना मैक्स, मेरा फोटो खींचना यहाँ पर, मुझे भी देखना यार। अरे क्यों नहीं, जरूर जरूर। रेडी सेट गो। चलो फिर देखते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। भाई ये क्या बना दिया मुझे? लेडीज नहीं भाई, ओए मारो इसको, इसको बाहर भेजो यहाँ से। भाई ने मुझे लेडीज बना दिया। अरे अरे मारो मत, ऐसे मेकअप के लिए तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। अरे ए मैक्स प्लीज ऐसा मत करो यार, मैं तो कहीं जाके छुप जाऊंगा वैसे तो, मुझे लेडीज बना दिया इनने। यार मैक्स मैं असली मर्द हूँ यार, तुम क्या कर रहे हो? अरे देखो कैरी, असली मर्द एक बहुत बड़े सैक्रिफाइस देने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता, आपका कितना अच्छा मेकअप किया है। ए भाई मैडम मैडम क्या बोल रही है भाई, पागल है क्या? क्या बात है, ऐसे काम कर रहे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं ये सोना दूंगा। थैंक यू सर, चलो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय टाटा। यार मैक्स तुमने उसको पैसे देके बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तो नहीं आने वाला भाई बाबू चिपके के सामने। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं तो यहाँ पर। अरे कैरी, ये देखो कैरी, अपने को उसे पकड़ना है और अपने पास इसके अलावा कुछ भी प्लान अवेलेबल नहीं। नहीं 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 बिल्कुल नहीं आने वाला उसके सामने, मैं पागल हूँ क्या तुम? कैरी अभी आ जाओ बाहर, इतना भी नखरा मत दिखा। नहीं नहीं नहीं, अरे वेट कोई तो आया है। कौन आया? अरे बाबू चिपके, मिस्टर बाबू। ओह शिट, बाबू चिपके आ गया। अरे कह रही लड़की की आवाज में, लड़की की। हाँ ठीक है मैं अपनी कोशिश करता हूँ। अरे बाबू चिपके कैसे हो? हेलो बाबू चिपके नमस्कार। अरे मैक्स ये कौन है सुंदर महिला? ए क्या बोल रहा है?
ये देख रहे हैं ना, हाथ में उड़ा दूंगा। एक शादीशुदा महिला पे नजर उठाता है, हट। क्या वे मेरे पत्नी पे नजर उठाता है? भूख दूंगा ये पे। हाँ मैक्स, इसको भगा दो। एक सुंदर नारी पर लाइन मारता साला, भगाओ इसको यहाँ से। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं हमेशा ही सुंदर चीजों की तारीफ करता हूँ। ये देखो अभी ये घर भी कितना सुंदर है। हाँ मैं इस घर की भी तारीफ करता हूँ। वाह कितना सुंदर है। ब्रो मेरी तारीफ नहीं करेगा तू? नहीं करूंगा। ए, तुम क्या कर रहे हो इधर, तारीफ तारीफ फैल रहे हो क्या? जल्दी से घर देखे जाओ यहाँ से। देखो बाबू चिपके, ये घर तुम्हें रेनोवेट कराना है। ये देखो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, अभी से ना एकदम मस्त बनाना है, समझे? यस बाबू चिपके भैया, हमको ये पूरा घर रेनोवेट करवाना है, तो आप इसका कितना लेंगे? ये हो जाएगा इसका ना 5 लाख रुपए होगा। ओके 5 लाख तो बहुत कम है मैक्स। क्यों, ये तो तुम्हारे लिए एकदम चिल्ला रहे। अरे हाँ, इसके ऊपर 1-2 लाख की टिप भी दे देंगे। चलो देखो मिस्टर चिपके, आपको जितना टाइम लेना है उतना ले सकते हो, बस घर एकदम मस्त रेनोवेट होना चाहिए। हाँ ठीक है, बट मेरे को इसके लिए 1 महीना चाहिए। ओके चलेगा चलेगा, हमको एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट काम चाहिए, ठीक है? सर आपका काम हो जाएगा, सिर्फ मेरे को ना 2 लाख एडवांस दीजिए। ओके ओके ठीक है, मिल जाएगा आप चाहिए जाइए। चलो अभी जाओ। ठीक है सर। मैक्स 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 मैक्स, ये जा रहा है, जल्दी से आपने को इसका पीछा करना पड़ेगा, वरना ये निकल जाएगा अपने हाथों से। अरे चलो 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 चलो। अरे वो उधर से कहां से जाए? अरे वहां नहीं, यहां से आओ पीछे, पीछे से अपन चलते हैं। जल्दी से गाड़ी निकालो। अरे वो तो यही है, रुक जाओ रुक जाओ, उसको पहले जाने दो, फिर उसका अपन पीछा करते हैं। अरे वो निकल रहा है, जल्दी से गाड़ी बैठते। चलो गाड़ी जल्दी बैठ जाओ, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो मैं जल्दी से पीछा करो उसका, टाइम नहीं है। चलो जल्दी पीछा करते उसका। और गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलाना, उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए, जल्दी। हाँ वो देखो क्या, वो जा रहा है कहीं पे तो। हाँ वो देखो, वो तक जल्दी मैक्स, उसका पीछा करो, वो जंगल में घुस गया है। अरे जल्दी कर मैक्स, क्या कर रहा है तू, पागल है क्या? जल्दी यार मैक्स, ये बाबू चिपके कहाँ आ गया, ये बस्ती लग रही है तो कोई सी। मालूम नहीं खैरी, और यहाँ पे गाड़ी चलाना तो बहुत मुश्किल है। अरे जल्दी मोड़, वो निकल जाएगा। रोक दे, उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए, रोक दे। अरे कैरी जल्दी आओ, निकल जाए कैरी। हाँ हाँ जल्दी भागते, उसके पीछे आ रही है तो निकल जाएगा। मैक्स जल्दी भागो, कहीं वो छूट नहीं जाए, पता नहीं कहाँ जा रहा है। चलो 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 जल्दी, और एकदम छू छुप के चलो भाई। अरे अभी पकड़ना पड़ेगा उसे, जल्दी चलो। अरे हाँ हाँ मेरी आंखों के सामने ही वो, चलो। अरे इस साइड गए, इस साइड कहाँ चले गया? अरे यार शिट, कहीं घूमने गया वो, ढूंढो उसको। चलो यहाँ देखे, यहाँ पर जल्दी सब घर देखो जल्दी से। अरे एक सेकेंड, मुझे यहाँ से कुछ आवाज आ रही है, मैक्स जल्दी आओ। ओ भाई ये क्या जगह बनी हुई, इधर एकदम खंडर हो रही है, तो बाकी घर पूरे के पूरे खाली, बाकी ये यहाँ पर ये सब क्या लगा हुआ है? यार किधर चले गया बाबू चिपके, यार यहीं तो आया था, मिल नहीं रहा यार, शिट। अरे एक सेकेंड, ये कौन है? अरे ये तो बाबू चिपके बैठा हुआ है। यार मुझे मैक्स को बुलाना पड़ेगा, यार मैं बिल्कुल भी आवाज नहीं कर सकता, रुक जाओ बुलाता हूँ। मैक्स मैक्स कहाँ चले गए मैक्स? अरे चुपचाप एकदम शांति से, ये वाले घर के अंदर ही बाबू चिपके बैठा हुआ है, जल्दी फटफट आओ इधर देखो। ओ, ये क्या है? चिल्लाओ मत, जल्दी से आओ इधर देखो ये रहा। अरे यहाँ देखो, तुमने यहाँ पर नहीं देखा था, देखो मैक्स क्या है, दिख रहा है ना? कैरी रुको, मैं काम करता हूँ, मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। हाँ हाँ वो कुछ बोल रहा है, जल्दी से काम करो, रिकॉर्ड कर लो, अपने पास उसके खिलाफ सबूत हो जाएगा, जल्दी से रिकॉर्ड करो। देखो साथियों, अपने को ना बहुत बड़ी मस्त पार्टी मिली है, उसे ना मस्त पैसे छाप सकते हैं। ने रिनोवेशन के लिए ना हमको 10 लाख रुपए दिए, उसको मस्त हम लोग बेवकूफ बना सकते हैं। क्या बात है सर, अगर ऐसी चलता रहा ना तो अपन एक दिन 5-स्टार होटल के मालिक बन जाएंगे। अरे 5-स्टार क्या सर, हम लोग तो 10-स्टार होटल के मालिक बनेंगे। सही बोल रहा है राजू, चलो इसी बात पे हम लोग एक एक पैग लगा दे। आ चलो चलो, हा हा हा, मजा आ रहा है। मैक्स देख क्या बोल रहा है ये, तूने रिकॉर्ड किया ना सब कुछ? अरे मैक्स चूहा आ गया इधर, भाग इधर। अरे बाप रे, अरे चूहा, अरे 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 शिट, लोग क्या करने आए थे यहाँ पे? हम ना ये देखने आए थे कि तू किस तरह लोगों को स्कैम करता है, समझा ना? अरे शिट मैक्स, ये तो बंदूक लेके आ रहा है। छोड़ो, हमें कुछ नहीं किया हमने। हर मैक्स ये क्या दिक्कत हो गई, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। यार मैक्स अब तो बुरी तरह फंस गए, अब क्या करें? एक मिनट, तू तो लड़की थी ना, लड़की का आवाज कैसे आया तेरे से? अरे मैं लड़का ही हूँ, रुक जा तुझे दिखाता हूँ, ये देख, पहचाना ना मुझे? अरे तू? हाँ वही जिसको तूने स्कैम करके भाग गया। बाबू चिपके तो पकड़ा जा चुका है, तुम लोग यहाँ से बच के जाओगे तब मैं पकड़ा जाऊंगा ना। अरे आना मैक्स, अपन यहाँ से बच के कैसे जाएंगे, तभी तो ये सबूत अपने काम आएगा। अरे कैरी, हम लोग को यहाँ से बच के जाने की जरूरत नहीं, बच के जाने की जरूरत तो इस चोमू को है। मैक्स मुझे लगता है तेरा दिमाग सटक गया, तू क्या बोल रहा है? देख राजू, मैं 3 बोलते ही इन सब पे गोली चला देगा। 1 ठीक है मैक्स, लगता है अपनी जिंदगी यहाँ तक ही थी। 3 तो मैं और मैक्स हम दोनों एकदम मरने की कगार पे थे, लेकिन तभी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अरे
बहुत सही टाइम पे आया पुलिस साहब, इसको ले जाओ पकड़ के, इसने मुझे बहुत चुना लगाया है। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, मेरे को फंसाना चाहता है साला। नहीं नहीं कोई झूठ बूट नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैक्स, पुलिस साहब को रिकॉर्डिंग दिखा दे, अपने रिकॉर्ड किया था ना इसकी सारी बातें जो ये अंदर कर रहा था बैठ के, बहुत लोगों को चुना लगा रहा था ये। कौन सी रिकॉर्डिंग? हमने करी रिकॉर्डिंग चुपचाप से बैठ के इधर। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये कैरी जो बोल रहा है वो सब सही है, ये देखिए इस फोन में रिकॉर्डिंग मैंने की है, ये देखिए सर इसके खिलाफ सबूत है, इसको अरेस्ट कर लो। ये फोन में तुम्हारे खिलाफ रिकॉर्डिंग है, मैंने सुनी है। क्या झूठ बोल रहे हो सर, कुछ नहीं है इसके फोन में। अरे ये क्या है, ये क्या किया तुम लोगों ने, मेरे पीठ पे तुम झूरा घोपते हो। और क्या, तूने इतने लोगों को चुना लगाया तो अब हमने तुझे चुना लगाया, चल अभी जेल में सट। बहुत गलत किया तुमने, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चल रे बाबू चिपके, तुझे चिपका दूं डंडे, चल अब अंदर बैठ गाड़ी में। छोड़ूंगा नहीं, आऊंगा मैं फिर से बदला लेने रिटर्न। आ जाना बाद में रिटर्न, अभी तो बैठ गाड़ी में, तेरे को जेल में डालना है। ड्राइविंग सीट पे का बेटा, भागने की कोशिश कर रहा, पीछे बैठ। मैं भागा नहीं हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये आजकल के चोर लोग भी ना बहुत ज्यादा बदमाश हो चुके। चलो रे हवलदार, हो गया अपना काम, फटफट आ जाओ, इसको डंडे चिपकाते अब। छोड़ूंगा नहीं। ये पुलिस एकदम से कैसे आ गई? अरे कैरी, मुझे तो मालूम ही था कि ऐसा कुछ तो हो सकता है, इसलिए मैंने पहले से अपना लोकेशन पुलिस वालों को शेयर कर दिया था, जिससे कि वो लोग हमें ट्रैक कर पाए। एंड इमरजेंसी में वो लोग सीधा आ गए और हमें बचा लिया। यार मैक्स, तू तो मास्टरमाइंड निकला यार, पैसों के साथ साथ तेरे पास दिमाग भी बहुत है। अरे कैरी जलवा है। अरे तेरा तो जलवा है, लेकिन मेरा तो हलवा निकल चुका है ना भाई, मेरा घर सब टूट फूट चुका है उधर, और मेरा जो पैसा था सेविंग्स वो भी सब खत्म हो चुकी है, अब मैं कहाँ रहूंगा। क्या कैरी, कर देना चमो वाली बात, मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हें घर दिला दूंगा और उसमें तुम आलीशान तरीके से रहना। मैक्स यार देख, मुझे नया घर तो नहीं चाहिए, एक काम कर, जो मेरा पुराना घर है ना तो उसको ही रेनोवेट करवा दे। अच्छा तो इतना सही चीज ना, अरे मैं कर दूंगा, आखिर दोस्त किस लिए होते हैं। क्या बात है, पप्पी ले ले पप्पी। चल ठीक है तो कर लेंगे। अरे वैसे तेरे पीछे चूहा है। अरे अरे भागो 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 जल्दी से इधर से। इधर आ मैक्स, ये देख। अरे क्या है ये, देख जल्दी आ इधर, ये देख बाबू चिपके ने क्या हालत कर दी मेरे घर की, पूरा तहस नहस कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। बुरा तो हुआ, लेकिन अब क्या करेगा, तू बोल रहा था ना तू कुछ करेगा। अरे कैरी टेंशन क्या ले रहे हो, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, अभी के अभी तुम्हारा घर पूरा ठीक करवा देता हूँ। चल ठीक है मैक्स, मैं तेरी बात पे यकीन कर रहा हूँ, लेकिन यार जल्दी काम करवाना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है, अगर आज के आज मैंने घर रेनोवेट नहीं करवाया ना तो सोसाइटी वाले मेरे को निकाल देंगे। अरे रो मत कैरी रो मत, 100 बिल्डर्स लगा के तुम्हारा घर रेनोवेट करवा दूंगा एक दिन के अंदर। क्या बात कर रहा मैक्स, 100 बिल्डर? यस यस। थैंक यू यार, थैंक यू मेरे भाई। फिर इसके बाद गाइस, मैक्स ने पूरे के पूरे 100 बिल्डर्स लगाकर मेरे घर का रेनोवेशन चालू कर दिया, और फिर मेरे घर का ऐसा हुलिया बदला ना कि मैं भी अपने घर को पहचान नहीं पा रहा था। चलो रे बीडू लोग, ढंग से काम करो, मैक्स बॉस के दोस्त का काम है, चलो रे फटफट। क्या रे, क्या तुम तैयार हो तुम्हारा नया घर देखने के लिए? हाँ हाँ मैक्स, जल्दी दिखाओ, मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। आओ आओ जल्दी आओ यहाँ पे। चलो गाइस देखते हैं, भाई लगता है पूरा का पूरा हुलिया चेंज कर दिया है, चलो देखते हैं कैसा है अपना घर। ये देखो